हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एडवाइस में। फ्रेंड, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को फिनोपेन में जो बिजनेस क्रॉसमेंट अकाउंट है वो कैसे खोला जाता है और उसका क्या तरीका है। बिजनेस क्रॉसमेंट अकाउंट बोले मतलब सीएसपी का खाता, मतलब जो भी हमारे बीसी सीएसपी लेते हैं फिनोपेन बैंक का, उनका एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है बीसी पुल अकाउंट। उसी को मैं आज पूरे डिटेल में और लाइव बताऊंगा कैसे उसका अकाउंट ओपन होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हमेशा फिनोपेन बैंक के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए फिर देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों सामने ही फिनोपेन में एक पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस क्रॉसपेंडेंट का खाता खोलने की प्रक्रिया, नॉर्मल केवाईसी का तरीका। देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, नई प्रक्रिया बिजनेस क्रॉसपेंडेंट का खाता खोलने की प्रक्रिया नॉर्मल केवाईसी। नई प्रक्रिया के अनुसार फिनोपेन बैंक में बिजनेस क्रॉसपेंडेंट का खाता केवल नॉर्मल केवाईसी से तरीके से ही खोला जा सकता है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड ई केवाईसी क्या हुआ कि सेंट्रल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश से बंद हो गया है, इसलिए अभी केवाईसी के थ्रू ही खुला है। देखिए, नए आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार केवल आधिकारिक वैध दस्तावेज ओबीडी को ग्राहकों के आईडी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा कार्ड या एनपीआर पहचान पत्र, असम और मेघालय में जो जारी होता है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो जो डॉक्यूमेंट है यही चीज डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड से नहीं खुलेगा फिर। देखिए आगे देख लेते हैं। बैंक के स्टाफ द्वारा ग्राहक के सभी दस्तावेजों को ओरिजिनल सील एंड वेरीफाइड OCAB फॉर्मेट कौन सा स्टाम्प और साइन होना चाहिए फ्रेंड। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर सभी आपको साइन करना होगा, वेरीफाई करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी पुल बिजनेस क्रॉसपेंडेंट का खाता खोलने का प्रक्रिया। अब चलिए देखिए फ्रेंड, आपको दिखा देता हूँ पूरा, आपको टेबलेट के स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बीसी पुल बिजनेस क्रॉसपेंडेंट का खाता खोलने की प्रक्रिया। एक में देखिए फ्रेंड क्या करना है आपको, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या चाहे सीआर हैं उनको आईडी मिला रहता है, उनको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद नॉर्मली जैसे बीसी मर्चेंट अकाउंट में आता है वैसे ही यहाँ पे आएगा, उसके बाद डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च बार में आपको जो है जिनका अकाउंट खोलना है बीसी मर्चेंट उनका मोबाइल नंबर सर्च करना रहता है। तो जैसे मोबाइल नंबर सर्च करना, यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर दर्ज कर सर्च करना होता है। उसके बाद क्या करना है, सर्च करने के बाद यहाँ पे ओपन अकाउंट का ऑप्शन शो करने करने लगे, तो ओपन अकाउंट पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीसी पूल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्या करना है बीसी पूल अकाउंट पे क्लिक कर देना। बीसी पूल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस जीरो वगैरह उसका सब आपको कैटेगरिया दिखा देगा क्या क्या इस अकाउंट का फायदे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, होल्डिंग टाइप में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट उसके बाद टाइप में मर्चेंट कर लेना है, और डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉन केवाईसी आपको क्लिक कर देना है। नॉन केवाईसी पे क्लिक करने के बाद आपको उसका पूरा डेटा आपको अपने से फीड करना होगा, कस्टमर का आगे प्रोफाइल में कस्टमर का फोटो डालना होगा, उसका नाम वगैरह सब कुछ आपको, मैरिड अनमैरिड जो भी डेटा आपसे मांगा जाएगा उसको फिलअप कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सब कुछ कैसे फिलअप किया गया है, ऐसे आप लोग को फिल कर देना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, उसका ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, उसका परमानेंट एड्रेस वगैरह फिल करना होगा सब कुछ। उसके बाद फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल के उसके बाद मेलिंग एड्रेस और दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक कर देना है बोथ। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। पासपोर्ट देना है तो पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड तो वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड आप सेलेक्ट करें तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको डालना होगा, अगर पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। ठीक है मैम, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया कैसे आप लोग को उसका फोटो खींच के जो भी है उसको अपलोड करना रहता है, तो ऐसे खींच के अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का वही सामने का भी फोटो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड में आपको पैन नंबर डाल देना है पैन डिटेल में, उसके बाद पैन कार्ड का भी फोटो कैप्चर करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ देखिए यहाँ पे पब्लिकली एक्सपोज है तो मर्चेंट से पूछे कि क्या उनका कोई राजनीतिक संबंध है, यदि हाँ तो हाँ लिखेगा, नहीं तो नहीं करना फ्रेंड। यही फ्रेंड आपको यहाँ पर डाल देना, अगर राजनीति से जुड़े हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद फटका डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना है, उसके बाद एलजी कोड डाल देना है। एलजी कोड फ्रेंड जो होते हैं हमारे जो भी इम्प्लॉय होते हैं सीआर, उनका एलजी कोड होता है, इम्प्लॉय कोड उसी को डालना रहता है। उसका नॉमिनी डालना हो तो नॉमिनी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे फटका डिक्लेरेशन वही आई एम टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्लिक कर देना होगा, नॉमिनी यस देना तो यस, नो देना तो नो। उसके बाद यहाँ पे ऑनबोर्डिंग अमाउंट जितना आपको डालना हो उतना डाल सकते हैं, इसके जीरो से लेकर 49,000 के बीच में, जितना कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना से वो अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। उसके बाद क्या करना है, मर्चेंट का फिंगर लेना है, लेफ्ट का राइट दोनों का, तो फिंगर ले लेंगे कस्टमर का।
यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए आपको परसेंटेज देगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर आई एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो मोबाइल नंबर डाला गया होगा कस्टमर का, उसके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको सामने अकाउंट दिखाएगा, उसका कस्टमर आईडी वगैरह दिखाएगा, कितना पैसा हुआ सब कुछ होगा, कस्टमर मोबाइल उसी समय आईडी पासवर्ड वगैरह चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कस्टमर का आईडी पासवर्ड चला जाएगा तो इसमें लगभग आपको 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम लगता है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे बीसी पूल अकाउंट ओपन करते हैं, आप लोगों को पूरा डिटेल में मैंने दिखा दिया, आप लोग देख ले फ्रेंड। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी को भी अगर आपको फिनो का CSP चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपके कॉन्टेक्ट करके आपको CSP दे दूंगा। और वीडियो जितना लाइक शेयर उसे कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं फिनोमेनन के रिगार्डिंग ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। धन्यवाद।